नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो नंबर कान्हा जी के लिए ये खूबसूरत सा पोशाक बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं। इसे मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। दो नंबर कान्हा जी का ड्रेस बनाने के लिए मैंने 14 फंदे सिलाई में डाले हैं और दो लाइन उल्टा उल्टा बुना है, जिससे उल्टे फंदे की एक धारी आ गई है। और अब हम इन फंदों को 5 भागों में डिवाइड करेंगे। तो अब ये हमारा तीसरा लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, अगला फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। ये हमारा फर्स्ट डिवाइडर हुआ। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। तो देखिए, डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना होता है। तो ये हमारा फंदा जो हुआ वो आस्तीन का फंदा हो गया। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। ये हमारा सेकंड डिवाइडर हुआ। उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 फंदे हमारे बैक के फंदे हो गए। फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। ये हमारा थर्ड डिवाइडर हो गया। ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा। ये हमारे आस्तीन का फंदा हो गया। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। ये हमारा फोर्थ डिवाइडर हो गया। अब डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना होता है, इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा बनाएंगे और लास्ट फंदा इसे उल्टा। तो हमने फंदों को 5 भागों में बांट दिया। ये हमारा रॉन्ग साइड है, तो सभी फंदे उल्टा बना लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, पहला उल्टा बुन लेंगे, फिर 2 फंदे सीधा, 1 और 2। हमारे ये फ्रंट के फंदे हो गए। जाली बढ़ने से एक फंदा इधर बढ़ गया। अब ये हमारा डिवाइडर है, तो ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बना लेंगे। अब ये हमारा आस्तीन का फंदा है। एक फंदा था और 2 जाली बनने से दोनों साइड में 3 फंदे हो गए हैं। तो ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए 3 फंदा सीधा बनाएंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे, ये हमारा सेकंड डिवाइडर है, तो इसे जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। अब चूंकि हमें दोनों तरफ जाली देना होता है, इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे और ये बैक के फंदे हैं, तो जाली देते हुए 6 फंदा सीधा बना लेंगे। 2, 3, 4, 5 और 6। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, ये देखिए ये थर्ड डिवाइडर है, तो जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे और ये हमारे आस्तीन के फंदे हैं, तो जाली देते हुए 3 फंदा हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारा दूसरा आस्तीन हो गया। ऊन अपनी ओर करेंगे और ये हमारा फोर्थ डिवाइडर है, तो जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और 3 फंदे सीधा, 1, 2, 3। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 2 जाली कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही हम 4 जाली कंप्लीट करेंगे। तो 4 जाली कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ।
ग्यारहवीं लाइन और सामने से, तो देखिए फ्रेंड्स चार जाली ये कंप्लीट हो गई है, एक दो तीन और चार। पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और पांच फंदे सीधे, और डिवाइडर को हम इस साइड में लेंगे छः। अब यहाँ पे हम जाली नहीं देंगे, डिवाइडर को हमने फ्रंट पार्ट में ले लिया है, और ये आस्तीन के फंदे हैं तो यहाँ पे नौ फंदे हो गए, तो उनको अपनी ओर करेंगे। अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को भी उल्टा बुनेंगे, और पीछे वाला फंदा इसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। अब हम आस्तीन को क्लोज कर रहे हैं, देखिए सभी फंदे हम एक एक करके क्लोज कर लेंगे। इस फंदे को भी उल्टा बुनेंगे और ये इस पर चढ़ा देंगे, तो ये नौ फंदा हमारा क्लोज हो गया। अगला फंदा हम बैक में ले लेंगे, तो बैक के सभी फंदे हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बैक के सभी फंदे हमने सीधे बुन लिए, डिवाइडर को हमने बैक में ले लिया है। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक और दो, और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ा देंगे, तो हम नौ फंदे क्लोज करेंगे। ये हमारा दूसरा आस्तीन भी घट गया। अब उन दूसरी ओर करेंगे और पांच फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा इसे हम उल्टा बुनेंगे, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। अब सारे फंदे को हम देखिए, ये आस्तीन हमारा घट गया है, इसको हम ऐसे करेंगे और अब सभी फंदे ऐसे एक के बाद एक बुनते चले जाएंगे। पहला फंदा उल्टा, शेष सभी फंदे सीधे और लास्ट फंदा उल्टा। देखिए फ्रेंड्स हमने 14 फंदे से बुनना शुरू किया, और हर सीधी लाइन में देखिए ये एक दो, हर डिवाइडर के दोनों साइड में दो दो फंदे, तो एक दो चार छः और आठ, यानी हर सीधी लाइन में आठ फंदे बढ़े, तो हम ये हमने चार जाली बनाई, यानी कि 32 फंदे बढ़ गए, तो टोटल हो गए 14 फंदे हमारे पास थे, 32 फंदे बढ़ गए, तो टोटल फंदे हो गए 46, और हमने 9 फंदे यहाँ और 9 फंदे इस आस्तीन में और 9 फंदे इस आस्तीन में घटा दिए, यानी कि 18 फंदे घटा दिए, तो अब हमारे सिलाई पे हैं 28 फंदे। तो हमने देखिए ये आस्तीन घटाने के बाद दो लाइन बुन लिया है। अब वापस हम सभी फंदे सीधे बुनेंगे ये हमारा 13वां लाइन है, तो 13वीं लाइन में सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। चौदहवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे।
अब ये हमारा 15वां लाइन है और लाइन में हम 3 फंदे बढ़ाएंगे। सभी फंदे को हम सीधा बुनेंगे और 3 फंदे हम कहीं भी बढ़ा लेंगे। तो फंदे बढ़ाने के लिए हम देखिए ये ऐसे इसको उठाएंगे, ऐसे सिलाई पे चढ़ाएंगे और सीधा बुनेंगे। ये देखिए एक फंदे में हमारा 2 फंदा हो गया और 1 फंदा बढ़ गया। फिर कुछ फंदे हम बुनेंगे, अब देखिए या तो हम ऐसे सीधा बुने और फिर इसी में ऐसे बैक से सीधा बुने। देखिए इस तरह भी हमारा 1 फंदा बढ़ गया, तो हमने 2 फंदा बढ़ा लिया। फिर हम सीधा बुनेंगे और फिर देखिए ऐसे, देखिए ये हमारा सीधा फंदा है। इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे सिलाई में चढ़ा देंगे और फिर इन दोनों को हम सीधा बुन लेंगे। देखिए ये हमारा 1 से 2 फंदा हो गया और ये हमारा 3रा फंदा भी बढ़ गया और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। 17वें लाइन में हम दूसरे कलर का ऊन अटैच करेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, अब ऊन अपनी ओर करेंगे और 5 फंदे जाली देते हुए सीधा, 1, 2, 3, 4, 5। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा हम जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और अगले 5 फंदे जाली देते हुए सीधा, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमने 5 फंदे सीधे बना लिए। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे में जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और अगले 5 फंदे जाली देते हुए सीधा, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट फंदे के दोनों तरफ हमें जाली देना है, तो ऊन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा, ऊन अपनी ओर किया और अगले 5 फंदे सीधा। नेक्स्ट फंदे के दोनों तरफ हमें जाली देना है जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है, तो जाली देते हुए सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे, अगले 5 फंदे जाली देते हुए सीधा और ये लास्ट फंदा है, तो इसे हम ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 19वीं लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और 7 फंदे हम, ये हम ऊन अपनी ओर है तो जाली पड़ जाएगा और 7 फंदे सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर देखिए इस फंदे के दोनों तरफ हमें जाली देना है, तो पहले ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 फंदे थे और दोनों तरफ जाली बनने से 7 फंदे हो जाएंगे, तो ऊन अपनी ओर किया और जाली देते हुए सीधा, 7 फंदे सीधे। अब ऊन अपनी ओर किया, इस फंदे के दोनों तरफ हमें जाली देना है जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है, तो जाली देते हुए सीधा, ऊन अपनी ओर किया और 7 फंदे जाली देते हुए सीधा। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए 7 फंदे सीधे। तो जैसे हमने यहाँ जाली दिया है वैसे ही हम इस पोर्शन पे भी जाली देते हुए जाएंगे, तो ये हमारा दूसरा जाली हुआ। इसी तरह हम 4 जाली बनाएंगे, तो 4 जाली कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंडरी कलर से 4 जाली कंप्लीट हो गया है। तो मैं एक बार फिर से बता दूँ,
चूल्हे में हमारे 28 फंदे थे, 3 फंदे हमने बढ़ा दिए तो हो गए 31 फंदे। देखिए ये पहले फंदे में हमने जाली, पहला फंदा सीधा बुना, फिर जाली दिया, और उसके बाद प्रत्येक छठे फंदे में देखिए 5 फंदा सीधा बुनने के बाद छठे फंदे में जाली दी, फिर 5 फंदा सीधा बुनने के बाद छठे फंदे में जाली दी, 5 फंदा सीधा बुनने के बाद छठे फंदे में जाली। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 जालियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एक फंदे के दोनों तरफ 4 जालियाँ। और देखिए आधा यहाँ पे एक फंदे के दोनों तरफ हमारी जालियाँ दिखाई दे रही हैं, ये फंदा है इसके दोनों तरफ जाली। तो हमने ये देखिए यहाँ पे हमारे प्रत्येक सीधे फंदे में 10 जाली बढ़ रही है, दो दो ये बीच में 8 जाली और एक एक जाली दोनों साइड्स में। तो इस तरह हमारे प्रत्येक सीधे फंदे में 8 जाली बढ़ रही है। तो 4 जाली बनाने के बाद अब हम अपना दूसरा कलर, ये पहला कलर फिर से लगाएंगे और अगला 4 जाली बनाएंगे। तो नेक्स्ट 4 जाली बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 4 जाली बनाया है, तो फिर इस डिवाइडर के दोनों तरफ हमें इसी के ऊपर जाली बनाते चले जाना है और कलर बदलते चले जाना है। तो इस फंदे के दोनों तरफ हम जाली देंगे, ऐसे ही जितने हमारे डिवाइडर हैं उनके चारों तरफ हम ऐसे ही जाली देते जाएंगे और फंदों को बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी डिवाइडर के चारों तरफ ये 8 जाली बना लिया है, यानी प्राइमरी कलर से भी हमने 4 जाली बना लिया। अब फिर प्राइमरी कलर का कोई काम नहीं है तो इसे काट देंगे और गांठ लगा लेंगे। और जैसे हमने ये 8 जाली बनाई है वैसे ही अब सेकेंडरी कलर से नवा जाली भी हम बना लेंगे। सभी डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली बनाना है, तो सेकेंडरी कलर से हम तो सभी फंदे हमें सीधा बुनना है, और ये जैसे हमने 8 जाली बनाई है वैसे सेकेंडरी कलर से भी हम ये नवी जाली भी, डिवाइडर के दोनों तरफ हम नवी जाली भी बना देंगे और शेष फंदे सीधे बुनते जाएंगे। तो 9th जाली कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ, रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बनाए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 9th ये जाली भी कंप्लीट कर ली और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुनते हुए वापस हम राइट साइड में आ गए हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ पीछे से सभी फंदे उल्टे बुने हैं, आगे से सभी फंदे सीधे बुने हैं और डिवाइडर के दोनों तरफ जाली डाला है और टोटल 9 जाली कंप्लीट किया है। अब हम दोनों साइड से उल्टे उल्टे फंदे ही बुनेंगे, यानी सामने से भी सभी फंदे उल्टे बुनेंगे और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। तो हम ऐसे मतलब रॉन्ग साइड से तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से उल्टा बुनते हुए हम 4 लाइन कंप्लीट करेंगे, जिससे ये दो उल्टे फंदों की धारी आ जाएंगी। तो 4 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हमें इन डिवाइडरों के पास कोई भी फंदे बढ़ाने नहीं हैं, सभी फंदे उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो 4 लाइन उल्टा उल्टा बुनते हुए 4 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 4 लाइन बुना जा चुका है और ये देखिए दो उल्टे फंदों की धारियाँ आ गई हैं। तो अब इस लाइन में हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो क्या करेंगे कि दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे। अब इस फंदे को वापस बाईं लाइन चढ़ाएंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुन लेंगे,
फिर इसे बाएं सिराए में चढ़ाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए देखिए हमारे ये फंदे क्लोज होने शुरू हो गए। इसी तरह करते हुए सारे फंदों को हम क्लोज कर लेंगे। तो सारे फंदों को क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे बंद हो चुके हैं, सारे फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं और देखिए ये हमारा पोशाक बनके तैयार है। अब हमें बस इसकी सिलाई करनी है। तो हम सुई में धागा डाल लेंगे, इसको उल्टी तरफ से कर देंगे। हमारा सीधा वाला पार्ट जो है वो अंदर की तरफ है और हम सिलाई करना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमें यहाँ पे ऐसे मुड़ना है, तो क्या करेंगे, दो चेन बनाएंगे और फिर इसी जगह से वापस ऐसे क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। देखिए इससे हमारा ये मुड़ जाएगा। उसके बाद अब इसको काट लेंगे और अंदर की तरफ कर लेंगे। इसी तरह हम आस्तीन पर भी बॉर्डर बना देंगे स्लिप स्टिच से। ने बाउंड्री बना ली, ऐसे ही हम दूसरे वाले में भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कान्हा जी का पोशाक बनके तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।